दोस्तों रोजाना गवर्नमेंट जॉब्स की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए यहाँ से सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा ले। हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब्स ज्ञान पर। दोस्तों आज है 8 दिसंबर 2019 रविवार। एक बार फिर से हम आपके लिए लेटेस्ट 6 बड़ी भर्तियों की अपडेट लेके आए हैं। जी हाँ दोस्तों, सभी भर्तियों के नोटिफिकेशन डिक्लेयर कर दिए गए हैं। इस वीडियो के एंड में हम आपको भी जानकारी देंगे कि कैसे आप ये PDF डाउनलोड कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, ऑल इंडिया की ये वैकेंसीज है, 8वीं 10वीं 12वीं डिग्री, डिप्लोमा और भी अन्य योग्यताओं से आप अप्लाई कर सकते हो। मेल और फीमेल बोथ कैंडिडेट इन फॉर्म को भर सकते हैं। इनमें से कुछ भर्तियों के लिए आपको कोई भी एग्जाम नहीं देना होगा। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देंगे कि किन किन विभागों के अंतर्गत ये भर्तियाँ निकली है, किस पोस्ट के लिए कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज है, क्या पोस्ट वाइज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कैसे आप इन भर्तियों की नोटिफिकेशन की PDF डाउनलोड कर सकते हो, कैसे अप्लाई कर सकते हो और कब से कब तक आप अप्लाई कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी हिंदी में देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। इस वीडियो को पूरा देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई वक्त कमाए शुरू करते हैं आज की 6 बड़ी भर्तियों की पूरी जानकारी। जी हाँ दोस्तों, जो फर्स्ट नंबर पर भर्ती निकली है वो निकली है इंडियन आर्मी में, भारतीय सेना के अंतर्गत सोल्जर GD यानी के जनरल ड्यूटी, सोल्जर टेक्निकल, सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट, सोल्जर क्लर्क या स्टोर कीपर, टेक्निकल सेपोई फार्मा, सोल्जर ट्रेड्समैन की वेरियस यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसीज है। सैलरी की अगर बात की जाए तो इंडियन आर्मी रूल के अकॉर्डिंग प्रोवाइड की जाएगी। वहीं बात क्वालिफिकेशन की जाए तो सोल्जर ट्रेड्समैन ओल्ड आर्म्स क्लास 8 पास के लिए 8वीं पास अप्लाई कर सकते हैं, जबकि सोल्जर जनरल ड्यूटी सोल्जर ट्रेड्समैन क्लास 10th पास के लिए 10th पास अप्लाई कर सकते हैं। सोल्जर टेक्निकल, सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट, सोल्जर क्लर्क या स्टोर कीपर टेक्निकल से कोई फार्मा, सोल्जर ट्रेड्समैन के लिए 12वीं पास अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस भर्ती के लिए 8वीं 10वीं और 12वीं पास अप्लाई कर सकते हैं। वहीं बात आयु सीमा की जाए तो सोल्जर GD के लिए 17 वर्ष 6 महीने से लेकर 21 वर्ष आयु सीमा है। वहीं बात सोल्जर टेक्निकल, सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट, सोल्जर क्लर्क या स्टोर कीपर टेक्निकल, सोल्जर ट्रेड्समैन के लिए 17 वर्ष 6 महीने से 23 वर्ष है। सेपोई फार्मा के लिए 19 से 25 वर्ष आयु सीमा है। कोई भी आवेदन शुल्क आपको जमा नहीं करना होगा। सिलेक्शन होगा फिजिकल फिटनेस, मेडिकल टेस्ट और रिटन टेस्ट के आधार पे। ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो, ऑल इंडिया से आप अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हो। ज्वाइन इंडियन आर्मी .nic.in का ऑफिशियल गवर्नमेंट पोर्टल है जिससे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, जो कि स्टार्ट हो चुके हैं 6 दिसंबर 2019 से। लास्ट डेट अप्लाई ऑनलाइन करने की 19 जनवरी 2020 है। एडमिट कार्ड आप डाउनलोड कर सकते हो 21 से 31 जनवरी 2020 तक। रैली अटेंड करनी होगी आपको 4 से 18 फरवरी 2020 तक। उसके बाद दोस्तों, जो सेकंड नंबर पर भर्ती निकली है वो निकली है हेल्थ डिपार्टमेंट में, स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत फार्मासिस्ट की भर्ती निकली है। 1736 नंबर ऑफ वैकेंसीज है। पे मैट्रिक्स लेवल 10 के अंतर्गत सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। डिप्लोमा फार्मेसी में होना चाहिए तो आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हो। आयु सीमा 18 से 40 वर्ष है। जनरल या UR और क्रीमिलेयर OBC के लिए ₹450 आवेदन शुल्क है। OBC नॉन क्रीमिलेयर के लिए 350 है। SST PH के लिए 250 है। शुल्क आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग या ई मित्रा कियोस्क के माध्यम से जमा करा सकते हो। सिलेक्शन होगा रिटर्न टेस्ट और इंटरव्यू के आधार पे। ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। राजस्थान जॉब लोकेशन है rsmssb.rajasthan.gov.in इसका ऑफिशियल गवर्नमेंट पोर्टल है जिससे आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो, जो कि स्टार्ट होंगे 11 दिसंबर 2019 से। लास्ट डेट अप्लाई ऑनलाइन करने की 10 जनवरी 2020 है। फीस पेमेंट की लास्ट डेट भी 10 जनवरी 2020 है। उसके बाद दोस्तों, जो थर्ड नंबर पर भर्ती निकली है वो निकली है खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन में, खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अंतर्गत ये भर्ती निकली है। पोस्ट है यंग प्रोफेशनल्स की, 75 नंबर ऑफ वैकेंसीज है। सैलरी 20,000 से 30,000 है। मास्टर डिग्री या पोस्ट ग्रेजुएट और 2 साल का PG डिप्लोमा किसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से आप अप्लाई कर सकते हो। 27 वर्ष मैक्सिमम आयु सीमा है। कोई भी शुल्क जमा नहीं करना होगा, नई एग्जाम देना होगा। डायरेक्ट इंटरव्यू से आपका इसमें चयन किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। ऑल इंडिया से आप अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हो। kvic.org.in इसका ऑफिशियल पोर्टल है जिससे आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। लास्ट डेट अप्लाई ऑनलाइन करने की 10 जनवरी 2020 है। इंटरव्यू हेल्ड होगा जनवरी 2020 में। उसके बाद दोस्तों, जो फोर्थ नंबर पर भर्ती निकली है वो निकली है ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन में, परिवहन निगम के अंतर्गत ये भर्ती निकली है। पोस्ट है मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर की। जी हाँ दोस्तों, मोटर वाहन निरीक्षक की यहाँ पर बड़ी भर्ती है। वेरियस खाली पद है 7,100 से 37,600 सैलरी है। प्लस ग्रेड पे 3900 है। ग्रेजुएट डिग्री होल्डर अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 39 वर्ष आयु सीमा है। जनरल या OBC के लिए ₹160 आवेदन शुल्क है। SC ST PWD को कोई भी शुल्क जमा नहीं करना होगा।
शुल्क आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग से जमा करा सकते हो। सिलेक्शन होगा प्री स्क्रीनिंग टेस्ट, फिजिकल और इंटरव्यू के आधार पे। ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। वेस्ट बंगाल जॉब लोकेशन है, ऑल इंडिया से अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हो। PSCWBOnline.gov.in इसका ऑफिशियल गवर्नमेंट पोर्टल है जिससे आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो, जो कि स्टार्ट होंगे 11 दिसंबर 2019 से। लास्ट डेट अप्लाई ऑनलाइन करने की 30 दिसंबर 2019 है। फीस पेमेंट की लास्ट डेट चालान के माध्यम से 31 दिसंबर 2019 है। उसके बाद दोस्तों जो 5 नंबर पर भर्ती निकली है, वो निकली है भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में। पोस्ट है इसमें ट्रेड अप्रेंटिस की। 305 नंबर ऑफ वैकेंसीज है, इसीलिए आप नोटिस से चेक कर सकते हो। 10वीं प्लस ITI अप्लाई कर सकते हैं। आयु सीमा मिनिमम 18 वर्ष है, मैक्सिमम जनरल के लिए 27 वर्ष है, OBC के लिए 30 है और SC ST के लिए 32 वर्ष है। कोई भी शुल्क जमा नहीं करना होगा, नई एग्जाम देना होगा, डायरेक्ट मेरिट से इसमें आपका चयन किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। हरिद्वार उत्तराखंड जॉब लोकेशन है, ऑल इंडिया से अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हो। careers.bhel.swr.co.in इसका ऑफिशियल पोर्टल है जिससे आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो, जो कि स्टार्ट हो चुके हैं 5 दिसंबर 2019 से। लास्ट डेट अप्लाई ऑनलाइन करने की 19 दिसंबर 2019 है। वहीं बात सबमिशन प्रिंट आउट की जाए तो विदाउट डॉक्यूमेंट्स के लास्ट डेट 27 दिसंबर 2019 है। इंटरव्यू डिक्लेयर होगा 15 फरवरी 2020 को। इंटरव्यू की डेट है 19 से 26 फरवरी 2020। फाइनल रिजल्ट घोषित होगा 3 मार्च 2020 को। ज्वाइनिंग डेट है 27 मार्च से 11 अप्रैल 2020। उसके बाद दोस्तों जो 6 और लास्ट नंबर पर भर्ती निकली है, वो निकली है बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन में। माध्यमिक शिक्षा मंडल के अंतर्गत टीचर की बड़ी भर्ती निकली है, जहां दोस्तों TET के माध्यम से भर्ती की जाएगी। वेरियस खाली पद है, इसीलिए आप नोटिस से चेक कर सकते हो। 12th डिग्री BEd, BA, CPed, BPed, MPed अप्लाई कर सकते हैं। रिटर्न टेस्ट के आधार पर चयन किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। ओडिशा जॉब लोकेशन है, BSEodisha.nic.in इसका ऑफिशियल पोर्टल है जिससे आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो, जो कि स्टार्ट हो चुके हैं 7 दिसंबर 2019 से। लास्ट डेट अप्लाई ऑनलाइन करने की 16 दिसंबर 2019 है। तो दोस्तों ये थी आज की, यानी कि 8 दिसंबर 2019 की टॉप 6 भर्तियों की पूरी जानकारी। अगर आपको भिन्न भर्तियों के बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो उसके लिए आपको हमारी वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, और हमारे इस पेज पर विजिट करके आप यहीं से किसी भी भर्ती की नोटिफिकेशन की PDF सिंपली डाउनलोड कर सकते हो। लिंक यहीं पर सभी भर्तियों के प्रोवाइड किए गए हैं। आवेदन करने के लिए भी यहीं पर आपको लिंक दिए गए हैं। आप किसी भी भर्ती के लिए डायरेक्टली यहीं से आवेदन कर सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ साथ दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर हम डेली गवर्नमेंट जॉब्स की ऐसी बिग अपडेट अपलोड करते हैं।